पे हिंदी टीवी ने आज महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम किया गया। यहाँ पे काफी महिलाएं मौजूद है। अब हम इनसे जानेंगे कि हल्दी कुमकुम का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसे कब शुरुआत किया गया और इसके मनाने की खास वजह क्या है। यहाँ पे क्राइम एंड करप्शन के भी प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो त्यौहार मनाया जाता है काफी उत्सुकता से मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये महिलाओं में सब इकट्ठा हो जाते हैं और तिल और गुड़ में जो मिठास है वो एक दूसरे में बटी जानी चाहिए और अपनी जो समस्या है लेडीज लोगों की वो एक दूसरे से मिलने से थोड़ी कम होती है, दुख अपना थोड़ा हल्का होता है और महिलाओं को थोड़ा आनंद मिलता है। इसके लिए हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम किया जाता है, अरे 14 जनवरी को होता है, मतलब साल में एक बार। तो 14 जनवरी नहीं है तो ये रथ सप्तमी तिथि होती है रथ सप्तमी, तब तक ये हल्दी कुमकुम हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली पहले जमाने में लेडीज इतनी बाहर नहीं निकलती जी, तो उनको एक्सपोजर नहीं था जो अभी है। अच्छा। अभी एक्चुअली लोग सर्विस के हिसाब से सब चीजों से लेडीज आ गई है, तभी नहीं था तो उस हिसाब से तभी पुराने जमाने से ये रूढ़ी है कि तभी लेडीज एक साथ आती है, अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर करती है। अभी उसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि अभी भी महिलाएं कितनी भी उनको पढ़ी लिखी है, सर्विस कर रही है, सब जगह पे आगे है, फिर भी कुछ समस्याएं महिलाओं की वही है। जैसे कि आज भी अभी जो मेरे सामने लेडीज बैठी है वो घरेलू लेडीज है। अच्छा। वो सिर्फ घर का अपना बच्चे पति घर का चूल्हा चौका उसमें ही बंधी रहती है, तो उनको थोड़ा सा उनका भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से अभी हम लोग इस तरफ देखते हैं, इस त्यौहार की तरफ हम लोग उस तरीके से, तो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से लेडीज एक साथ आती है, थोड़ी अच्छे से तैयार होके आती है, उनका जो बेसिक होता है जो चीजें उनको चाहिए होती है जो अच्छी लगती है वो इस हिसाब से पूरी हो जाती है। ओके मैम, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे क्राइम एंड करप्शन के प्रेजेंट से। सर, आप यहाँ पे आए इन महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस नजरिए से आप देखते हैं इस त्यौहार को? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन तरफ से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष समीना शेख जी, जिन्होंने यहाँ पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा और उनके सहभागी उनके सपोर्ट में आशा नाडर मैडम, आशा राजपूत मैडम और मेरी महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य है सारे महिलाओं को एक करना और एक दूसरे की समस्या जो हमारे राउत मैडम ने, जो हमारी मैडम ने बताया कि मतलब महिलाएं कभी कभी क्या होती है पुरुषों के सामने बहुत सारी बातें नहीं खुलती, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो महिला को बताती है। तो हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम से क्या होता है, जो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी वो महिलाएं किसी ना किसी कारण से हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम की वजह से वो महिलाएं बाहर निकलती है और बाहर निकल दूसरी महिलाओं से मिलती हैं। एक तो उनका मनोबल बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनको लगता है अगर कोई दुख है तो दूसरी महिलाओं से शेयर करती है। तो आज जो मेरे क्राइम एंड करप्शन के जो महिलाओं ने जो कार्यक्रम किया उसके लिए क्राइम एंड करप्शन की एंटायर टीम की तरफ से, संपूर्ण भारत की टीम की तरफ से मैं हमारे समीना शेख जी को, आशा नाडर जी को, आशा राजपूत मैडम को और मेरी सारी महिलाओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम, आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि सर ने आपका काफ़ी अच्छा नाम लिया है, आप आइए जरा सामने। नहीं, आ रहे वहीं जी। आप बताइए, आपका इतना अच्छा नाम लिया, आपने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, आपने सबको एकत्रित किया, सब लोग आपसे मिलने यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं चाहती थी कि प्रोग्राम हुए, ये सब लेडीज लोग इकट्ठा हुए, एकजुट बने। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक महिला एक मुट्ठी में बन के रहे और एक रहे। मैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रोग्राम आज रखा था कि सब लोग मिलके बातचीत करें और आगे कुछ बढ़ने की सोचे। धन्यवाद। हमको भी निकाल ले जाओ बेटा। थैंक यू। मुझे निकालना था।
इधर देखो बोला आशा ताई नमस्कार जरा हाँ तुम करो हाँ करे ना दो मिनट फोन ऑफ चार अलग का प्रिया ताई हेलो थोड़ा सा इधर आ जाओ ये कौन सा है नौ नंबर बिल्डिंग खाली बोला ये ए विंग है कि चलो पुल के बुक कर दो ना ए विंग देखो इधर खाली हट सामने से अरे कुछ और दिन के बाद क्या बोलते हैं समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।